नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फैक्ट्री विच इज़ अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं, सबसे पहले एक बात, लिंक को कॉपी करके शेयर करो। कैसा रहा क्लास 5:30 बजे, और कितने लोग जुड़े थे आज 5:30 बजे? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था 5 बजे वाली साइंस वाली क्लास में कि बच्चों 5:30 बजे बिल्कुल अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस, ये रखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। तो कई सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर जानते ही नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में। 5 वर्षों इन द सेंस कि जब रेलवे का एग्जाम हुआ है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में कोई पेपर नहीं हुआ, आपको पता है एनटीपीसी को लेके। तो 2015-16 में हुआ था, और 2015-16 में जितने बार पेपर हुआ, जब जब पीछे हुआ है, उन सारे क्वेश्चन का संगम आपको अनअकैडमी पे देखने को मिलेगा। ये 15 डेज क्लासेज हैं, 15 दिन, जिनमें से मैथ आपको मिलेंगे राहुल सर के, रजनी हितेश सर का, जीके जीएस हमारा। तो बिल्कुल जो नहीं जुड़ा है, कल से रिमाइंडर लगा लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें जाकर गोल सेलेक्ट कर लो, रेलवे एग्जाम सर्च करो, रोहित कुमार फॉलो करो, नोटिफाई करो, लेकिन क्लास को जुड़ो। कितने बजे याद रहेगा टाइमिंग? 5:30 बजे। जैसे आपको 5 बजे 5 से 5:30 जो साइंस क्लासेस छोड़ेंगे, फिर आपको जुड़ जाना है कहाँ? 5:30 बजे मेरे साथ में, याद रहेगा। चलो, और फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब एक कंप्लीट बैच यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, यूपी पीएससी या यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए लाया गया है अनअकैडमी पे, आपको पता है बच्चों। जिनमें से आज आकाश सर का मैच शुरू हो गया। अब आकाश सर का मैच शुरू हुआ, इसके बाद रीजनिंग, हिंदी, एवरीथिंग, सारा पेपर शुरू होगा, सारा सब्जेक्ट चलेगा आपका। क्योंकि मैं 15 तारीख से इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, जिनमें से 16, 17, 18 यानी लगभग 4-5 लेक्चर हुए हैं। परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इफ़ यू कैन ज्वाइन, अगर आप ज्वाइन करते हो तो बिल्कुल आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है मेरा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और ये टेलीग्राम मैं आपको इसलिए बता दूं कि क्लास के बाद में सारा टेलीग्राम पे जो भी पीडीएफ होगा, मैं अपना पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूं इस चैनल पे, ठीक है। क्लास के बाद, चाहे वो सुबह 9 बजे की हो, क्योंकि हमारे क्लासेस कितने बजे होते हैं, 6:30 बजे सुबह जीके एक नज़र मिल जाता है आपको, फिर 9 बजे मेन चैनल वाईफाई स्टडी पे, फिर 9:30 बजे आपको मिलता है कहाँ? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे, यूपी को लेके। और फिर 5 बजे जुड़ते हो शाम को कहाँ? एनटीपीसी साइंस में। और फिर अभी आप जुड़े हो 7 बजे मेरे साथ जीके में। तो इतने सारे लेक्चर चलते हैं, सबके पीडीएफ आपको मिलेंगे। और अनअकैडमी पे जो मेरा स्पेशल क्लास चल रहा है, वो भी आप जुड़ना, जो मैं बार बार कह रहा हूँ 5:30 बजे, ठीक है, ठीक है माय डियर। चलो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम मिल जाए आपको पीडीएफ। सवाल नंबर 1, चंद प्रद्योत वाज रूलर ऑफ विच एंशियंट रिपब्लिक? चंद प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे? काशी, अंग, अवंती, वज्जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा जल्दी। और मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि चंद प्रद्योत की बात करेंगे तो 16 महाजनपद जो था, तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद चंद प्रद्योत के पास भी था। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कुल महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी। तो महाजनपद क्या है सर? जैसे जन की बात करें तो जन हो गया आज के रूप में ब्लॉक, मान लो प्रखंड। जनपद की बात करें तो कई सारे ब्लॉक मिलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, जनपद कहलाते हैं। जैसे यूपी में अभी भी जिला को हम जनपद कहते हैं, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिले तो एक क्या बन गया? महाजनपद यानी राज्य कहलाते हैं। तो 600 BC में भारत में कुल मिलाकर 16 बड़े राज्य थे, 16 महाजनपद थे, उनमें से चंद प्रद्योत भी एक राजा था। तो किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे ये? अवंती के। किसके थे? अवंती के शासक थे। और इस 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल कौन निकला? मगध, जो अनेक अनेक तरीकों से साम्राज्य को अपने कब्जे में लेकर आया, साम्राज्य को अपने कब्जे में लाया, ठीक है। तो प्रद्योत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन कौन रहे हैं?
गौतम बुद्ध के समकालीन की बात करें तो सबसे पहले बिंबिसार को ले आओ, जिसने हार्यक वंश की स्थापना की थी। अजातशत्रु भी रहा है, काशी के शासक प्रसेनजीत भी रहा है, नहीं चलिए उन्हें चंद प्रद्योत महासेना के नाम से भी जाना जाता था। ये उपनाम याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैड प्रपोज्ड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? एस ए डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? क्वेश्चन नंबर टू, जल्दी। भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? एस ए डांगे के द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या जयप्रकाश नारायण के द्वारा? किसने रखा था भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? क्या होगा बच्चे, जरा बताओ। अगर भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र की बात करें तो जयप्रकाश नारायण किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? जब 1975 में आंदोलन चला था, याद होगा आपको 1975 में आंदोलन चला था, तब पार्टी विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया था। यह आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया था? सरकार के विरुद्ध। इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगा दी थी ना इंदिरा गांधी ने, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव बच्चों जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया। जयप्रकाश नारायण ने जय जगत का नारा दिया था, नहीं? अच्छा बताओ, जयप्रकाश नारायण को 1942 के आंदोलन में कहां कैद कर रखा गया था? जल्दी, कहां रखा गया था? हजारीबाग सेंट्रल जेल में। जयप्रकाश नारायण को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। माफी माफी चाहता हूँ दोस्तों, मैं वही ढूंढ रहा था कि जय जगत का नारा। बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों ने जवाब दिया जय जगत का नारा विनोबा भावे ने। वही तो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा लगा मुझे विनोबा भावे ने दिया है। किसने दिया? विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने नहीं। क्लियर है? चलो, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसे पीपल्स हीरो कहते हैं, लोकनायक यानी पीपल्स हीरो, जयप्रकाश नारायण ने पार्टी विहीन लोकतंत्र और लोक उम्मीदवार की अवधारणा क्या वकालत की। तो लोक उम्मीदवार मतलब क्या हो गया कि लोगों का उम्मीदवार, पार्टी का नहीं। अभी क्या होता है, पार्टी का उम्मीदवार होता है, ये कहा गया भैया लोगों का उम्मीदवार हो, पार्टी का उम्मीदवार नहीं। अभी क्या होता है, पार्टी जिसे चाहते हैं टिकट देती है, वही चुनाव लड़ता है, चाहे विधायक हो या सांसद हो। 1957 में नारायण ने लोक नीति के लिए औपचारिक रूप से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ संबंध तोड़ दिया ताकि राजनीति का विरोध किया जा सके। 1957 की बात करते हैं, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला, आर निकम, एसके बेदी, वी एस रमा देवी या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर तीन, अच्छा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है कि नहीं बनी है कोई? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, क्या लगता है बनी है? अरे भाई मेरे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है वी एस रमा देवी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की बात करें तो क्या होगा, जरा कमेंट बॉक्स बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होगा, जल्दी? 6 years और 65 years, विच एवर कम सर लिए, जो भी पहले आएगा।
जो भी पहले आएगा। और चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है, पार्ट 15 में, पार्ट 15 में। लेकिन वयस्क मताधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 326 में कहा गया है कि 18 वर्ष हो जाने पर, भारत का नागरिक रहने पर, आप वोट दे सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। ठीक है, तो वी एस रामा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक कर्नाटक के 13वें राज्यपाल, इसके बाद 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त थी, 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त थी, भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला, वह टीएन सेशन का पदभार संभाला, यानी टीएन सेशन के बाद वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है वीएस रामा देवी। इसके पहले वो कर्नाटक की राज्यपाल के रूप में काम करती थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश स्टेट, कौन सा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, लक्ष्मण अवार्ड, गंधर्व अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या अर्जुन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी सोचो कैसे सवाल पूछे गए हैं, पहले कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अभी तक भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तक अटके हो और लोग अब राज्य स्तरीय पे पहुंच गए हैं जी की, तो कौन सा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य द्वारा संबंधित है या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो गंधर्व पुरस्कार। लक्ष्मण अवार्ड की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड तो पता है ये भारत सरकार प्रदान करती है, भारत सरकार प्रदान करती है। ठीक है, तो सर कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश के देवास जिले के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, जिनकी 1992 में मृत्यु हो जाती है, और कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना 1992-93 में एमपी सरकार द्वारा की गई थी, यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। याद रखना चीजों को, अंतर कैसे करते हैं। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, जल्दी और साथ ही साथ बताना ये कहां है। जल्दी, कप्तान रूप से स्टेडियम की बात करेंगे, ये क्रिकेट से संबंधित है डियर, और ये ग्वालियर में है, ये कहां है, ग्वालियर में है। अच्छा बताना, सचिन तेंदुलकर अपना पहले वनडे का, विश्व का पहला वनडे दोहरा शतक, दोहरा शतक किस स्टेडियम में बनाया था, जल्दी, क्या ग्वालियर था क्या वो पहला मैच, यहां पे 1988 में इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था, वनडे था वो। ठीक है बच्चे, भाई साहब यही वो स्टेडियम है सचिन तेंदुलकर के लिए जहां पर पहला दोहरा सेंचुरी लगाया गया था, ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, गॉट इट। यहां पे एक स्टैंड है जिस पे सचिन तेंदुलकर स्टैंड का नाम रख दिया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ट त्रिभुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौड़, निम्नलिखित में से किसने चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था, राणा प्रताप, राजा धंग, परमार राजा भोज या पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात करें तो सर ये परमार राजा भोज के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा, परमार राजा भोज के द्वारा बनाया गया है, पृथ्वीराज चौहान नहीं। पृथ्वीराज चौहान से याद आया 1191 का तराइन युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और गोरी, जिसमें से गोरी पराजित हुआ, 1192 का दूसरा तराइन युद्ध जिसमें से पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, पृथ्वी राज रासो से, किसने लिखा, चंद्रवरदाई ने, चंद्रवरदाई ने लिखा। ठीक है, हु विच अमंग द फॉलोइंग सोर्स थ्रो
लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी, कौन सा स्रोत परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है? पद्मगुप्त का नवशासन चरित्र, मृतुंगा की प्रभा चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, उपरोक्त सभी। आज देख लो क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं। तो कौन सा स्रोत परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है? पद्मगुप्त का नवशासन चरित्र, मृतुंगा की प्रभा चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी भाई ऐसे ही डेप्थ पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक डेप्थ नहीं पढ़ोगे चीजें आपके हाथों में कभी रहेंगी ही नहीं। पद्मगुप्त का नवशासन चरित्र क्या होगा? ये ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो कौन सा स्रोत परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो पद्मगुप्त का नवशासन चरित्र भी डालता है, मृतुंगा की प्रभा चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति है। लेकिन मुख्य रूप से उदयपुर प्रशस्ति द्वारा पता चलता है हमें, जो कहां राजस्थान में पाया गया है। अच्छा बता परमार वंश का फाउंडर कौन था? जल्दी परमार वंश का संस्थापक कौन था? कितने लोगों को पता है? परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज या कृष्ण राज, दोनों से कोई एक था। उदयपुर लेख में से द्विज वर्ग रत्न कहा गया, द्विज वर्ग रत्न कहा गया। इस वंश के प्रारंभिक इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य उदयपुर प्रशस्ति है। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को पराजित करने वाला। इनकी राजधानी कहाँ थी? धारा थी। उपेंद्र के दरबार में सीता नामक कवित्री रहा करती थी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा कहाँ? मध्य प्रदेश। ठीक है, विच पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉकनी सिंड्रोम? नॉकनी सिंड्रोम के लिए कौन सा प्रदूषण जिम्मेदार है? फ्लोराइड, पारा, आर्सेनिक या कैडमियम? विच पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉकनी सिंड्रोम? नॉकनी सिंड्रोम के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? बताओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, क्या हो सकता है नॉकनी सिंड्रोम? फ्लोराइड, नॉकनी सिंड्रोम के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? फ्लोराइड जिम्मेदार है। इटाई रोग के लिए कैडमियम, क्या होगा? कैडमियम। यानी नॉकनी सिंड्रोम के लिए कौन सा प्रदूषण जिम्मेदार है? फ्लोराइड जिम्मेदार है, याद रहेगा फ्लोराइड। और जब कैडमियम इटाई रोग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नॉकनी को जेनु वेलगम के रूप में जाना जाता है। नॉकनी को जेनु वेलगम के नाम से जानते हैं, जेनु वेलगम के रूप में जानते हैं। जब पैर सीधे हो जाते हैं तो घुटनों के कोण की स्थिति होती है, जब पैर सीधे हो जाते हैं तो घुटनों के कोण की स्थिति होती है। और नॉकनी सिलिका और फ्लोराइड जैसे पानी के माध्यम से कच्ची धातुओं के उच्च सेवन का एक परिणाम है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बताओ तारिके फिरोजशाही के लेखक कौन है? जल्दी तारिके फिरोजशाही के लेखक कौन है? शमसे सिराज अफीक, जियाउद्दीन बरनी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी या सिराजुद्दीन अली यजदी? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताओ। तारिके फिरोजशाही के लेखक कौन हो सकते हैं? अरे यार ये कई बार पढ़ा चुके हैं आपको, क्लास में कई बार पढ़ाया मैंने। तो तारिके फिरोजशाही के लेखक की बात करेंगे सर, तो तारिके फिरोजशाही के लेखक कौन होंगे? जियाउद्दीन बरनी। अच्छा जरा बताओ जियाउद्दीन बरनी का संबंध किस राज्य से, भारत के किस राज्य से है? जियाउद्दीन बरनी का संबंध भारत के किस राज्य से है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, MP, UP, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। चलो 4 ऑप्शन है, जल्दी नहीं कितने लोगों को पता है। तारिके फिरोजशाही के लेखक कौन है?
बताओ। तो तारे के फिरोज शाही के लेखक की बात करेंगे, जियाउद्दीन बरनी, जो यूपी के बुलंदशहर है, बुलंदशहर है। और जियाउद्दीन बरनी की बात करें, तारे के फिरोज शाही, सर फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जियाउद्दीन बरनी एक मुस्लिम इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत में रहते थे, जिन्होंने फिरोज शाह का इतिहास को लिख दिया, फिरोज शाह तुगलक के इतिहास को लिखा। फिरोज शाह की बात करेंगे सर, तो ये इसे अकबर का पुरोगामी कहते हैं, अकबर का पुरोगामी, अकबर का पुरोगामी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य में कई सुधार किए। कई सुधार किए, ठीक है। किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? इन विच ईयर द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट वॉज पास्ट? 1856, 1858, 1859 या 1862? इन विच ईयर द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट वॉज पास्ट? किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो क्या होगा, 1856 में, जब डलहौजी वायसराय, या गवर्नर जनरल कहते हैं, क्योंकि वायसराय का पोस्ट कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वायसराय 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद देखने को मिलता है। तो जब गवर्नर जनरल डलहौजी थे, तब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया 1856 में, जिनमें से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, का समर्थन किया था। तो डलहौजी के समय कई सारी चीजें देखने को मिलती है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, लेकिन डलहौजी ने क्या किया ना, भारत में गोद निषेध प्रथा को लाके ये बहुत बड़ा काम किया था, अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी क्षेत्र को बढ़ाने का, अंग्रेजी क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया डलहौजी ने। लेकिन अगर हम सुधार की बात करें, तो डलहौजी ने कई सारे सुधार किए, जैसे टेलीग्राफ की शुरुआत की, पहला टेलीग्राफ कलकत्ता से आगरा, टेलीग्राफ की शुरुआत की, दूसरा रेलवे की शुरुआत की, तीसरा पोस्टल स्टाम्प की शुरुआत की, पोस्टल स्टाम्प की शुरुआत की। तो कई सारे सुधार किए थे डलहौजी ने भारत में, उसमें से एक सुधार था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होना 1856 में। तो 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी, अधिनियम 15 1856 ने ईस्ट इंडिया कंपनी नियम के तहत भारत के सभी उच्च न्यायालयों में, या भारत के उस समय के न्यायालयों में, क्योंकि उच्च न्यायालय कब आया था भारत में, तो उच्च न्यायालय 1857 1861 के एक्ट में आया था, याद रखना, 1861 के एक्ट से 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे, कौन कौन, तो कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और फिर बम्बई हाईकोर्ट, जबकि चौथा हाईकोर्ट 1866 में कौन बना, अलाहाबाद हाईकोर्ट, अलाहाबाद हाईकोर्ट। तो भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के लिए के पुनर्विवाह को वैध बनाया गया था, वैध बनाया गया था कि जो विधवा है, हिंदू विधवा है, वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। हिमालय के किस भाग में करेवा भू निर्माण पाया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करेवा लैंड फॉर्म फाउंड? और मैं बता दूं, ये यूपी पीसीएस का पेपर में पूछा गया है, यूपी पीसीएस के पेपर में 2018 में, और इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है RO ARO में, RO ARO में। तो हिमालय के किस भाग में करेवा भू निर्माण पाया जाता है? उत्तर पूर्व हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, या फिर कश्मीर हिमालय। तो करेवा की बात करेंगे, ये पाया जाएगा कहाँ, कश्मीर हिमालय में। कहाँ पाया जाता है करेवा? कश्मीर हिमालय में मौजूद है, और ये ऊंची भूमि है। ये क्या, करेवा क्या है, ऊंची भूमि। ऐसा नहीं है कोई फल है, सारे खाने में अच्छा लगेगा, क्या ऊंची भूमि है, हाईलैंड। तो करेवा बेसिन उत्तर पश्चिम भारत में पीर पंजाल श्रृंखला जो है, और कश्मीर हिमालय में ग्रेट हिमालय रेंज के बीच स्थित है। करेवा शब्द का अर्थ है स्थानीय बोली में एक ऊंची भूमि। मैंने क्या कहा, एलिवेटेड टेबल लैंड, यानी उच्च भूमि, ठीक है। याद रहेगा करेवा का अर्थ, अगर हो सकता है कभी कभी करेवा का अर्थ भी पूछ दे, तो स्थानीय भाषा में एक उच्च भूमि है। क्वेश्चन नंबर 12, कार्यक्रम द मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी?
सोचो कैसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, जब मोदी जी आए थे तब कार्यक्रम मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। प्रोग्राम द मेक इन इंडिया स्टार्टेड ऑन कार्यक्रम द मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया, नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014 या सितंबर 2016, क्या होगा? तो कार्यक्रम द मेक इन इंडिया की बात करेंगे, सितंबर 2014 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। तो सर जितने गाइस जितने भी डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, जितने भी प्लान शुरू हुए हैं, ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 2014 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्लान है, ऐसे तो कई सारे प्लान शुरू हुए हैं लेकिन 2014 से जो इंपॉर्टेंट प्लान है, ये सब प्लान को आपको देख कर जाना होगा पेपर में, क्योंकि एक बार सेटर जिस चीज को पकड़ लेता है वो ट्रेंड वही चलता रहता है। याद करिए पिछले 2018-19 में जब पेपर हुआ था तो ट्रेंड क्या पकड़ में आया था? ट्रेंड पकड़ में आया सीईओ, यही ट्रेंड चला है पूरे ग्रुप डी और एएलपी में। तो क्या पता हो सकता है ये ट्रेंड पकड़ ले सेटर, कि जितने भी मोदी गवर्नमेंट में लाए गए हैं जो प्लान या योजना उसी को हम रिपीट करें, तब चीजें बहुत गड़बड़ होंगी, हाथ से निकलता नजर आएगा आपको। तो मेक इन इंडिया पहल को सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण पहलों के एक व्यापक रूप में शुरू किया गया था। जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? वेयर इज द फेयर ऑफ जल बिहारी ऑर्गेनाइज्ड? जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? जितने आप देख रहे हो ना जहां नाम, ये सब के सब मध्य प्रदेश के नेम है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नाम है, प्रसिद्ध नाम। तो जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश के छतरपुर में आयोजित किया जाता है। कहां? मध्य प्रदेश के छतरपुर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जल बिहारी का मेला आयोजित होता है, याद रखना। ठीक है, किस शहर में, विश्व के किस शहर में 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी क्या होगा? समर ओलंपिक की बात करते हैं, सोचो 2020 ना गुजरा, हम पहले प्लान बना दिए 8 साल पहले, तो किस शहर में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? सर लॉस एंजलिस में। अच्छा बताना बच्चों 2024 में कहां होगा? चलो 2024 में कहां होगा? 2020 में होना था, 2021 में होगा टोक्यो में। चलो मैं बता दे रहा हूं, तो 2024 में होगा पेरिस में, यानी 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस यूएसए में। अच्छा ये जो देखो 5 रिंग दिख रहे होंगे आपको इमेज में, ये 5 रिंग क्या शो करता है? पांचों महादेश को शो करता है। कौन कौन सा शहर? तो लाल रेड की बात करें तो ये यूएसए को शो करता है, पीला की बात करें, येलो की बात करें तो ये एशिया को शो करता है, ब्लैक की बात करें तो ये अफ्रीका को शो करता है, अफ्रीका को शो करता है। अगर हम ब्लू की बात करें, नीला की बात करें, तो ब्लू कलर जो है ये शो करता है किसको? ये यूरोप को शो करेगा। किस शो करेगा? यूरोप को शो करेगा। चार हुआ तो कितने? 5 है, एक बचा ग्रीन कलर है, ये ओशिनिया, ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया को शो करता है। तो ये आप देख सा रहे हो कि 5 हैं, यानी रेड यूएसए, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया, येल्लो एशिया, और नीला वाला क्या होगा? यूरोप। ठीक है, चलिए। इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट? मानव शरीर में किस तत्व का सर्वाधिक प्रतिशत ज्यादा होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन? चलो कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाएगा। डियर हर जगह ऑक्सीजन है। अब ऐसे देखो ना कि अगर पृथ्वी के क्रस्ट की बात करें, पृथ्वी के क्रस्ट की बात करें तो वहां भी सबसे ज्यादा पाया जाता है 46%। पृथ्वी के क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, हमारे बॉडी में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना परसेंट होगा जरा बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी, कितना कितना परसेंट मौजूद है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में?
हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% है। सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है कौन? ऑक्सीजन 65%। तो ये देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, यानी कहता है दिस फोर एलिमेंट्स मेक अप 96.5 ऑफ योर बॉडी वेट। जो हमारा शरीर है, आपका शरीर है, उसमें से कार्बन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन 18.6, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चार तत्व को मिला लेंगे तो हम 96% पहुंच जाएंगे। और सबसे कम क्या पाया जाता है? आयोडीन और आयरन। आयरन मान लो सबसे कम, आयरन 0.3%, आयोडीन 0.3% है। ठीक है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है हमारे बॉडी में, याद रखना। और फास्फोरस का काम क्या है? हड्डी, कैल्शियम हमारे हड्डी में फास्फोरस भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इन 2019 विच इंडियन शॉर्ट फिल्म ओन द ऑस्कर, 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता है? एंड ऑफ सेंटेंस, पाइपर, कैमेरा या इंडियाज डाउटर्स। 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता? जल्दी, भाई एंड ऑफ सेंटेंस ने जीता है। अब आपको बताना डायरेक्टर कौन है इसका, डायरेक्टर कौन है इसका, जल्दी। कहता है एंड ऑफ सेंटेंस ने 91st एकेडमी अवार्ड्स में वृत्तचित्र लघु विषय श्रेणी में ऑस्कर जीता है। पुरस्कार विजेता जो या डायरेक्टर कहें, रेखा जहात बची, कौन है? रेखा जहाता बची ने लघु फिल्म का निर्देशन किया, जिसे भारतीय निर्माता गुनीत मोंगा के सिख एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टर, और जहां भारत का नाम आया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड ऑन रिवर नर्मदा, निम्नलिखित में से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा या भेरा घाट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड ऑन रिवर नर्मदा, कौन सा झरना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? सबसे पहले समझते हैं नर्मदा निकलती कहां से है। ये अमरकंटक, जब ये अमरकंटक से निकलेगी यानी मध्य प्रदेश से, तो भाई ये सारे के सारे झरने मध्य प्रदेश में होने चाहिए, आसपास कहीं और है, लेकिन बेसिकली मैं मध्य प्रदेश को केंद्र में रख के पूछ रहा हूं। चलो मैं हिंट दे दिया भाई, धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट, ये सब के सब नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। कहां पे? जबलपुर में। जबकि भालकुंड नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। क्यों? डेल्टा फॉर्म नहीं करेंगी। गोल दैट मीन्स गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, MSME का मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। आपके लिए होमवर्क है। अच्छा लगा सुबह वाले क्लास में अपना होमवर्क का जवाब दिया, मैंने थैंक यू वगैरह नहीं बोला, मैं जरूर देखूंगा समय मिलेगा तो बच्चे। तो होमवर्क क्या है? जैसे HRD मिनिस्टर भी देखें तो कौन है? निशंक है, पोखरियाल निशंक। उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? हरिद्वार है, रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार है। वैसे ही आपको बताना ये मंत्रालय किनके पास है और उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है। इसे जनजातीय मामलों का मंत्रालय की बात करें तो कौन हो सकता है? ट्राइबल अफेयर्स, भैया अर्जुन मुंडा हैं, जो कहाँ जीत के गए हैं? सरायकेला खरसावां, झारखंड खूंटी। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में? जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अब आपको बताना है MSME का मंत्रालय कौन है और वो किस संसदीय क्षेत्र से जीत गए हैं। वित्त मंत्रालय कौन है, किस संसदीय क्षेत्र से जीत के गए हैं, यह आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 18 का 19। हाउ मेनी सिटीज ऑफ द कंट्री वर गिवन द 5-स्टार गार्बेज फ्री टैग अंडर द
गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग फॉर द सिटीज, शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के तहत देश के कितने शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया है? 4, 5, 6 या 10? 4, 5, सॉरी 4, 6, 10 या 15? शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के तहत देश को कितने शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टैग दिया गया था? तो ये दिया गया था बच्चे, बेसिकली 6 शहर हैं इनको 5 स्टार कचरा मुक्त टैग घोषित किया गया है। अब आपका होमवर्क, ये भी होमवर्क है, क्या होमवर्क है, वो 6 शहर कौन है, ये आपका होमवर्क भी मैंडेटरी मानना, ये शहर कौन है आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, आपके सवाल पूछेंगे कौन है या कौन नहीं है तब गलती कर बैठोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी टेररिज्म डे, किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस या आतंकवाद निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल या मोरारजी देसाई? आतंकवाद विरोधी दिवस कहें या आतंकवाद निरोधक दिवस कहें? आतंकवाद निरोधक दिवस, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो सर ये राजीव गांधी हैं जो आतंकवाद का शिकार हुए हैं और तमिलनाडु में जिनको मारा गया था, राजीव गांधी की पुण्यतिथि को जानते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस या आतंकवाद निरोधक दिवस 21 मई को मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक शांति और अहिंसा के संदेश को बढ़ावा देना और फैलाना है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में बताना, जितना होमवर्क दिए ये होमवर्क जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे जवाब। यार आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब ही नहीं देते हो, होमवर्क करते ही नहीं हो, कैसे होगा सिलेक्शन बताओ। और मैं आपके लिए अनअकैडमी पे 2 कोर्स लेकर आया हूँ, यूपी लेखपाल जो भी चल रहा है, और इस वीक में भी बहुत हद तक, ठीक है, मैं आपको डेट बता दूंगा किस डेट से शुरू हो रहा है, ये डेट फाइनल नहीं हुआ है। तो पॉलिटी क्लास आपको देखने को मिलेगी, यानी फ्रेश बैच, फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी पे, और आपको पता है कि मैं कितना डेट पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जिसने 5:30 बजे वाले फ्री क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं वो कल से जरूर जुड़ जाना, 5:30 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस रेलवे के लिए, जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। तो कैसे जुड़ना अनअकैडमी पे, सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, फिर गेट OTP पे 6-डिजिट OTP आएगा, वो खुद ब खुद ले लेगा क्योंकि मोबाइल नंबर अगर उसी में रहा तो, और वही मोबाइल नंबर डालना जिसमें आपको मैसेज वगैरह आता हो। इसके बाद गोल सेलेक्ट करना फ्री क्लासेस के लिए, यहाँ पे 3 लाइनें बनी है, रेलवे एग्जाम, और जैसे गोल सेलेक्ट करोगे रेलवे एग्जाम, यहाँ पे रेलवे एग्जाम दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना स्पेशल क्लासेस, और फिर स्पेशल क्लास सेलेक्ट करके मुझे सर्च कर लेना रोहित कुमार, मैं मिल जाऊँगा, और फिर मुझे फॉलो कर लेना। लेकिन अगर अगर आप प्लस भी जुड़ना चाहते हो तो यहाँ गोल सेलेक्ट करना SSC एग्जाम या UP SSC UPSC जो आपका गोल हो, गोल सेलेक्ट करना, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सर कितने सब्सक्रिप्शन, तो या तो 12 महीने का या 24 महीने का, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चे, 12 महीने का 6,000 है, बाबा 10 कोड यूज करोगे तो घट कर ये 5400 हो जाएगा, 2 साल का 7200 है, अगर ये कोड यूज करते हो तो 10% रिबेट होकर 6480 हो जाता है। लेकिन कोड जरूर अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना, प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद कैसे पेमेंट करना चाहो, जैसे आपको लगता हो, जैसे आपकी सुविधा हो, चाहे ATM हो या क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होगा तो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ATM कार्ड होगा तो EMI में कन्वर्ट नहीं होगा। अब सोचो यार 4-500 से कम में पड़ता है महीना में, यानी 6480 में 2 साल तक आप पढ़ोगे, 2 साल तक जितने भी कोर्स आएंगे, जितने भी SSC के एग्जाम होंगे सब कवर एक बार में। रेफरल कोड याद रहे BA BA 10 बिना स्पेस लगाए, ठीक है। और ना समझ में आया तो मुझे ये मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मुझे FB पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और ये चैनल सब्सक्राइब करना, मैं अभी PDF डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है, और यहाँ पे आप अपने क्वारी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, शुक्रिया, जय हिंद।